प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए राहत की खबर। एक बार फिर ब्रज में राधा रानी की कृपा और चमत्कार। देखिए कैसे फिर राधा रानी ने प्रेमानंद जी का हाथ थाम लिया। वो करुणामयी सरकार, लाडली जू का प्यार, बरसाने वाली का दुलार। जब तक साथ है तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसके आशीर्वाद से जो 20 सालों से बिना किडनी के स्वस्थ जीवन बिता सकता है, यही तो बस कृपा है। और ये कृपा पूरे ब्रज में बरसती है। यही वजह है कि हमारी श्री जी के दुलारे दुनिया में ठकुरानी के नाम का डंका बजाने वाले परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। ये खुशखबरी श्री जी के भक्तों के लिए किसी दिवाली या दशहरे से कम नहीं है, क्योंकि बुधवार को ये खबर आई थी कि प्रेमानंद जी महाराज को आधी रात को अस्पताल ले जाया गया है। प्रेमानंद महाराज के अस्पताल जाने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर बस राधे राधे नाम गूंजने लगा। पूरे वृंदावन में उनके स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं होने लगी। लेकिन जिस पर कृपा बरसती है बरसाने वाली की, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी के सीने में दर्द उठा था। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रामकृष्ण सेवा आश्रम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया। जांच के बाद रात करीब 8 बजे उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और फिर से राधा नाम जप में लीन है। आपको बता दें कि संत प्रेमानंद की किडनी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका डायलिसिस भी होता रहता है। इसके बाद भी वो अपने निज आवास श्री कृष्ण शरणम से पैदल ही रमणनेति स्थित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन देने के साथ आध्यात्मिक प्रवचन भी करते हैं। संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए रात 1 बजे से ही सड़क पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। आइए अब आपको महाराज जी से जुड़ी कुछ अच्छी जानकारियां देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज राधा नाम जप का दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी ये जान लीजिए कि वो संत किसी अस्पताल के बेड पर नहीं पड़े रहते, बल्कि बिना दिन दोपहर की परवाह किए भक्ति में लीन रहते हैं और दिन में कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, राधा नाम का सहारा लेते हैं। प्रेमानंद महाराज का जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं है। रोगी प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी 18 साल से ज्यादा से खराब हैं, फिर भी वो जिंदा हैं। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और तेज देखते ही बनता है, जो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था। महाराज जी के पिता और दादा दोनों ही सन्यासी थे और माँ धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता दोनों ही साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही महाराज ने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग भी कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए और अब वो वृंदावन में ही रहते हैं। अनुष्का और विराट कोहली भी प्रेमानंद महाराज जी से मिलने आए थे, लेकिन इस मुलाकात की सबसे अनोखी बात ये थी कि उन्होंने मीडिया में छाए विराट कोहली और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को पहचाना तक नहीं। सेलिब्रिटी दंपत्ति के साथ आए लोगों ने उनका परिचय कराया तो बाबा ने भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। सामान्य भक्तों की तरह उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी मुलाकात का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को ये जानने की इच्छा हुई कि ये बाबा आखिर कौन है जो इन दोनों के परिचय से अनजान है। बताया जाता है कि बहुत समय पहले डॉक्टरों ने इन्हें बताया था कि आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, आप केवल 2 या 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आज 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और महाराज जी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जिस शख्स की दोनों किडनियाँ खराब हों वो अब तक जिंदा है। सुबह 4:30 बजे से प्रेमानंद जी सत्संग करने लगते हैं। महाराज जी की उम्र अब लगभग 60 साल की हो चुकी है। वो अभी वृंदावन में रहकर अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में और भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए राधा नाम जप में निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आपको भी मौका लगे इस महान संत से मिलने का तो इस अवसर को कभी न गंवाएं। प्रेमानंद जी के पास जाएं और राधा नाम का जयकारा लगाएं, अपने जीवन में पुण्य को कमाएं। जरूर ही राधा रानी आप पर भी कृपा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड न्यूज़।